डिप्टी कमिश्नर टनवालायार अल्ताफ गोहर मेमन ने आज सिविल अस्पताल टनवालायार और बेसिक हेल्थ यूनिट PPHI सुल्तानाबाद का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मजकूरा अस्पतालों में सफाई सुथराई के इंतजाम और सेहत के हवाले से फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और वहां मौजूद अद्वियात का स्टॉक चेक किया, जबकि डॉक्टर्स और दीगर पैरा मेडिकल स्टाफ के हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया। उन्होंने अस्पतालों की लेबॉरेटरियों में होने वाली टेस्टों के मुतालिक भी मालूमात हासिल की। बाद अजां डिप्टी कमिश्नर टनवालायार ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की तालिबल मोल कॉलोनी, गांव सोनो खान लाशारी, गांव अल्लाह बख्श अरबाब और दीगर मुख्तलिफ आरओ फिल्टर प्लांट्स स्कीमों का भी दौरा किया। इस मौके पर बंद पड़े हुए आरओ प्लांट्स पर डिप्टी कमिश्नर ने सख्त बिरहमी का इजहार किया और मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि खराब मशीनों की जल्द अज जल्द मुरम्मत करवा के बंद पड़े हुए प्लांट्स को बहाल किया जाए ताकि आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी मुमकिन हो सके।